नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया, मेरे साथ है रजनी कालरा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और 30 जून से पहले परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया और 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में पेपर लीक से इनकार किया है। लोकसभा चुनावों में बारामती सीट पर पत्नी सुरेत्रा पवार की हुई हार के बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अजीत पवार ने पार्टी पदाधिकारियों की सहमति के बाद यह फैसला लिया, जिसके बाद आज सुरेत्रा पवार मुंबई के विधान भवन पहुंची और यहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले ने इन्हें हराया था। बीजेपी नेता पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। पेमा खांडू ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पेमा खांडू के साथ कुल 11 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरे हैं। कैबिनेट में दासगलू पुल अकेली महिला मंत्री हैं। पेमा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में बुधवार को आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में करीब 41 लोग भारतीय हैं, वहीं 6 घायल भारतीयों का इलाज अस्पताल में जारी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन खुद कुवैत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। दिल्ली के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी के चलते जल संकट से जूझ रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच सियासी घमासान भी जारी है। वहीं खबर आई कि मुनक नहर से टैंकर माफिया पानी चोरी कर दिल्ली सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मुनक नहर पर पहरा दे रही है। पुलिस ने यह कदम एलजी की ओर से दिल्ली पुलिस को नहरों की रखवाली का आदेश मिलने के बाद उठाया है। गाजियाबाद के लोनी में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। बताया जा रहा है कि इमारत में फोम का कारोबार चल रहा था। फोम में आग लगने की वजह से आग तेजी से इमारत में फैल गई। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। जी न्यूज़।